बैरल वॉल्ट ट्रस, इन बैरल वॉल्ट ट्रस हमें ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये कैसे ड्रॉ करना है ये फर्स्ट सपोर्ट देखेंगे। इसमें ये हमारा एक्स एक्सिस होगा एंड दिस वन इज अवर वाई एक्स, सो एक्स वाई प्लेन इज देयर। ओके, अब यहाँ पे ये जो टोटल डिस्टेंस है 14 मीटर है, यहाँ तक जो हाफ ऑफ द पोर्शन है यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस है इट विल बी सेम। ओके, और यहाँ पे हाइट आपका 3 + 2 = 5 मीटर है, राइट, एंड देन दिस विल बी योर अगेन नेक्स्ट हाइट, टोटल हाइट। ओके, इसका जो हाइट का डायमेंशन है वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा दिस पॉइंट। ओके, वी नीड टू अज्यूम द डिस्टेंस, नो इट्स मेंशन देयर 5 मीटर्स, don't need to see, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इट्स अबाउट दिस सर्कुलर कैसे ड्रॉ करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप जब यहाँ पे क्रिएट में जाओगे, ओके, तो क्रिएट में हमें पहले क्रिएट करना है सर्कुलर ग्रिड, तो यहाँ पे आपको रेडियल सिलेक्ट करना है। ओके, प्रीवियस सेशन में हमने इरेगुलर देखा था, सो वहाँ पे आपको रेडियल सिलेक्ट करना है। ओके, और प्लेन सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे पहले मैं ओके कर देता हूँ और उसे स्क्रीन पे लेके आता हूँ, राइट। अब स्क्रीन पे ये जो ग्रिड है, ये ग्रिड का हमें लोकेशन फिक्स करना है। लोकेशन के लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं, जैसे हम और रेक्टेंगुलर ग्रिड एक्स और वाई के डायरेक्शंस में हम लोकेशन डिफाइन करते थे, स्पेसिंग डिफाइन करते थे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टार्ट एंगल, ओके, रेडियस 1, ओके, रेडियस 2, स्वीप एंड बेस, राइट। सो इन आवर केस स्टार्ट एंगल इज 0, मतलब कि हमें 0-0 से ही स्टार्ट करना है ड्रॉ करने के लिए, राइट। यहाँ पे रेडियस 1 मतलब इनसाइड रेडियस, अगर मैं यहाँ पे कुछ रेडियस यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ 20 सपोज, ओके, देन इट विल बिकम हॉलो। ओके, हमारे केस में हॉलो का कोई ये नहीं है, सवाल नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 ही वहाँ पे कंसिडर करेंगे, राइट। स्वीप मतलब पूरा जो ग्रिड है, सर्कुलर ग्रिड है, वो कितना एंगल चाहिए उसका। अब अगर हमारा केस यहाँ पे देखते हैं हम, ओके, हमें 180 डिग्री का ही सर्कल ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे पैरामीटर्स में स्वीप में मुझे 180 सिलेक्ट करना है। ओके, नाउ दिस सर्कल इज फॉर 180। ओके, अब रेडियस 2, रेडियस 2 मतलब क्या, आउटर रेडियस। ओके, तो इन दिस एग्जांपल सर्कल का जो डायमीटर है इट्स ऑफ 6 मीटर, ओके, सो रेडियस विल बी 3 मीटर, तो हमारा जो आउटर रेडियस है वो कितना होगा आपका 3 मीटर। ओके, रेडियस विल बी 3 मीटर, डायमीटर 6। ओके, अब हमें इसका सेंटर लोकेट करना है। अब इसका अगर सेंटर देखोगे आप तो एक्स में 7 और वाई में 5, 7 और 5, तो हमें इसका सेंटर स्पेसिफाई करना है, ओरिजिन एक्स में 7 और y 5। ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय बेस। ओके, अब ये बेस क्या है, बेस मतलब यहाँ पे अगर ये बेस 10 है, अगर मैं इसे इंक्रीज करता हूँ तो जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली कौन से डिविजन्स आपके बढ़ रहे हैं, राइट। हमारे पास दो ही डिविजन्स है,
ये जो डिविजन से ये एक दो तीन चार ओके मतलब अलोंग सर्कमफेरेंस आपके डिविजन्स बढ़ रहे हैं राइट। अगर मैं यहाँ पे ये नंबर इंक्रीज करता हूँ तो जैसे अभी डिक्रीज कर रहा हूँ मैं राइट सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके। और जब मैं ये बेस का नंबर अगर इंक्रीज कर रहा हूँ राइट तो देखो अलोंग दिस डायरेक्शन अलोंग रेडियल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आपके डिविजन्स कम ज़्यादा हो गए राइट। इस डायरेक्शन में आपके सिक्स ही है लेकिन इस डायरेक्शन में अभी 21 हो गए गॉट इट ओके। अब हमारा एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें अलोंग द सर्कमफेरेंस कितने डिविजन्स चाहिए एक दो तीन चार पाँच छ सात सेवन डिविजन ओके। सो जस्ट टाइप हियर सेवन ओके। और अलोंग द रेडियस मतलब इस डायरेक्शन में हमें कितने डिविजन्स चाहिए इस डायरेक्शन में कोई सवाल ही नहीं है ये हॉलो है ओके। तो इस डायरेक्शन में हम जितना मिनिमम है उतना ही रखें क्योंकि हम ड्रॉ करने वाले हैं सिर्फ आउटर साइड पे राइट। हम इनर साइड पे कुछ ड्रॉ करने वाले नहीं है तो यहाँ पे इसका जो मिनिमम नंबर है हम वो रखते हैं राइट ओके। So now we are done with grid setting. Okay, अब यहाँ पे सिर्फ हमें इस पे ड्रॉ करना है ओके। हमने ओरिजिन सेट कर दिया एंगल सेट कर दिया रेडियस सेट कर दिया बेस सेट कर दिया और सेकेंड बेस जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन हमें मिनिमम थ्री रखना होता है जिसके नीचे नहीं आ सकते। अब ड्रॉ करना है जस्ट ये ज्वाइन करना है That's it. So that's the different thing in this truss. Okay. So I think ये अगर हो जाता है तो rest of the things you can complete by yourself. Yes, sir. क्योंकि इसमें इसको 2.24 का division करना है तो वो कैसे करना है ये आपको पता है ये पॉइंट्स जॉइन करना है ये पॉइंट्स आपको मिल गए अभी इसके जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स मिल गए आपको ओके। ये आप ड्रॉ कर सकते हो राइट एंड इफ यू गॉट दिस पॉइंट्स देन डायरेक्टली आपको क्या करना है इसे जॉइन करना है रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स आर सेम। ट्रांसलेशन के लिए यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया तो कर पाओगे ये कि वीडियो एक बार देख लो आपको ये समझ में आ जाएगा ठीक है। इजी है सिर्फ रेडियल ग्रिड आपको क्रिएट करना है और वहाँ पे ड्रॉ करना है दैट्स इट। ओके यस सर यस सर। तो मंडे से हम आरसीसी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे राइट। तो मैं ग्रुप पे भी मैसेज डाल देता हूँ राइट। अभी एक्चुअली प्रैक्टिस सेशन का आपने रिक्वायरमेंट किया है इसलिए मैं अभी आज को आपका प्रैक्टिस सेशन दे रहा हूँ। नहीं तो आज से ही मैं स्टार्ट करने वाला था आरसीसी डिज़ाइन का
अगर आपको प्रैक्टिस सेशन चाहिए तो आप आज का प्रैक्टिस सेशन ले लो एंड देन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी कैन स्टार्ट फॉर आरसीसी डिजाइन. ओके इज इट फाइन? यस सर. ओके आर सी याच्यामध्ये इंडस्ट्रियल ड्रेसेसमध्ये अजून काही डाऊट्स नाही आहेत ना? नाही अजून तरी नाही सर. हे वाला सर करून घेतो. ये अगर करेंगे ना तब समझ में आएगा सर क्या एक्चुअल कौन सी कंडीशन है. ये तो जरा हार्ड दिख रहा है. नहीं इजी है, एक बार समझ में आ जाएगा आपको तो फिर बाकी के सारे एक ही प्रोसीजर जैसे. ये इसमें ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसका प्रैक्टिस करो और प्रोसेस फिर सारा सॉल्व करो. प्रस का आप अगर एग्जांपल सॉल्व करते हो तो मॉडलिंग पे आपका अच्छा हाथ बैठ जाएगा, अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा उसको प्रोसेस का एग्जांपल सॉल्व करने के बाद. आज से में मॉडलिंग का इतना कुछ ज़्यादा ये नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. ओके तो उसमें आपका मॉडलिंग का प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंट टूल्स नहीं यूज़ करना है. एक स्टील डिज़ाइन भी ऐसा है जिसमें आपको मॉडलिंग के लिए आपका जो इमेजिनेशन है, आपका जो प्रैक्टिस है उसका यूटिलाइज कर सकते हो. ओके तो शैल वी क्लोज फॉर टुडे देन? यस सर. ओके सो वी कैन स्टार्ट आरसीसी डिजाइन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. सर अटेंडेंस अटेंडेंस में अपडेट कर देता हूँ.